दोस्तों Realme 8 सीरीज का 4G वेरिएंट लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे 5G मॉडल जल्द ही आने वाला है। तो हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो 5G मॉडल अलग से लेकर आ रही है Realme, यहाँ पे वो Realme 8 सीरीज के 4G वाले में ही दे सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं, दो अलग अलग वेरिएंट लेकर आई। बट मार्केट में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि Realme 9 सीरीज के बहुत सारे रूमर सामने निकल कर आ रहे हैं इसके लॉन्च डेट के पहले ही। हालांकि कुछ कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन तो बाहर निकल कर नहीं आए हैं, बट एज अ यूजर हम लोग ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा इसकी प्राइसिंग भी हम लोग क्या देख सकते हैं कि इंडिया में ये लॉन्च किस प्राइस रेंज में हो सकता है, इस ईयर होगा या फिर नहीं होगा, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, साथ में बेल आइकन तो प्रेस कर ही देना, बिकॉज फ्यूचर में ऐसे ही तगड़े कंटेंट आपको मिलेंगे सबसे पहले। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, और उसके पहले एक बात जरूर बता दूं कि यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेशन है वही मैं डिटेल्स के साथ शेयर करूंगा, यहाँ पे कोई कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, देन डेफिनेटली आप इसके ऊपर पूरा रिलाई तो नहीं कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आते हैं इसके कैमरा मॉड्यूल को लेके। तो Realme 9 सीरीज से सबसे पहला एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे रियर साइड में कम से कम पेंटा रियर कैमरा का हाउसिंग दे, तभी जाके कहीं ना कहीं ये Xiaomi को और ज्यादा बीट कर पाएगी। इसके अलावा Realme X सीरीज की तरह ही इसमें सेल्फी कैमरा के लिए पॉपअप दिया जा सकता है। अब पेंटा कैमरा डेफिनेटली 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ आएगा अगर दिया जाएगा तो, और पॉपअप सेल्फी कम से कम 20 मेगापिक्सल का Realme 9 Pro में आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे प्राइमरी 108 MP के साथ इसमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहने वाला है, एक डेप्थ सेंसिंग रह सकता है, इसके अलावा एक माइक्रो लेंस और एक टेलीफोटो लेंस का कॉम्बिनेशन मिला के आपको पेंटा हाउसिंग देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर को लेके, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन का 765G वाला 5G चिपसेट इस स्मार्टफोन में देखने को मिले, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और यहाँ पे गेमिंग के मामले में इसमें कोई भी लैगिंग आपको देखने को नहीं मिल सकती है, और डुअल बैंड 5G को भी ये इस चिपसेट सपोर्ट करता है, तो इस स्मार्टफोन के लिए ये एक बेहतर चिपसेट माना जा सकता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले एंड डिजाइन को लेके। तो ग्लॉसी ग्रेड एंड बैक फिनिश के साथ आपको ये स्मार्टफोन इस बार डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। थोड़ा लुक अलग ही रहना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज पेंटा कैमरा हाउसिंग अगर देती है तो वो लुक को थोड़ा सा डिफरेंट जरूर कर देगी। फ्रंट साइड में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच का सुपर एमोलेड पैनल इस बार देखने को मिल जाएगा Realme 9 Pro में, जो कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो टॉप राइट कॉर्नर में तो नॉच देखने को नहीं मिलने वाला है, तो पॉपअप सेल्फी की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। वहीं जो इसका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन होगा वो फुल HD प्लस रहने वाला है, 1080x2400 pixels वाला। तो डिस्प्ले के भी मामले में ये स्मार्टफोन पहले वाले सीरीज से तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बेटर रहने वाला है। वहीं दोस्तों इसके बैटरी सेक्शन की बात कर ली जाए तो मिनिमम 5000 mAh की बैटरी 30W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट को लेके। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि 2021 के एंड तक ये स्मार्टफोन Realme की तरफ से देखने को मिल जाए। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज इसी ईयर Realme 8 4G एंड 5G दोनों वेरिएंट लेकर आई है, तो डेफिनेटली 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ये स्मार्टफोन जरूर लॉन्च किया जाएगा आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ Redmi Note 11 सीरीज। अब यहाँ पे देखना ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि इसका प्राइस बेस मॉडल का क्या रहने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 14 से लेकर 18 के बीच में ही इसका बेस मॉडल का प्राइस रखा जाएगा, और जो इसका अपर मॉडल होगा वो 17 से लेकर 20,000 तक चला जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस ज्यादा इंक्रीज करने का फायदा इसलिए नहीं होगा कंपनी, बिकॉज बहुत सारे लोग प्राइस की वजह से इस स्मार्टफोन को बाय करना पसंद नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा स्पेसिफिकेशन पसंद आया। मिलता हूँ ऐसे ही तगड़े और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव लवली डे एंड स्टे सेफ।